hi guys welcome back to this channel guys do you have any cause that is the topic of this video causative verbs in this video we will learn what is causative verbs and how we use causative verbs so stay connect with us

but first and foremost we will talk basic causative verbs have make and get in next slide so let's delve into detail causative verbs as per the name it's showing that verbs humne वर्ब्स पढ़े हैं जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है सेकंड फॉर्म होती है थर्ड फॉर्म होती है कि जो एक्शन वर्ब्स होते हैं जो हमारे सेंटेंस में जिस जो काम करते हैं वो हमारे वर्ब्स होते हैं लेकिन कॉजिटिव वर्ब्स जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कॉज कॉज मीन कुछ काम करवाना किस किसी काम के होने का या उसके करवाने का रीज़न तो ऐसे कौन से वर्ब्स हैं जो किसी भी काम के होने का बायस होते हैं उसका पर्पज़ होते हैं सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द डेफिनेशन पॉजिटिव वर्ब्स आर वर्ब्स दैट यू मेक सम वन टू डू समथिंग फॉर यू आइर बाय कन्वेंसिंग बाय हायरिंग मोटिवेटिंग और इवन फोर्सेबिली ऐसे वर्ब्स जिसके जरिए से हम किसी इंसान को किसी चीज़ को जो है उसे हम काम करवाते हैं बाय हायरिंग चाहे हमें उसको हायर करना पड़े हमें उसको पे करना पड़े उनको मोटिवेट करना पड़े उनको भाई समझाना पड़े मोटिवेट इस काम के लिए एग्री करना पड़े या फोर्सफुली भी करवाना पड़े कि नहीं आपको ये काम करना पड़ेगा तो ऐसे वर्ब्स जो होते हैं दे कॉल्ड पॉजिटिव वर्ब्स So, first we will talk about have. What is have? Causative have. The word have means to hire someone, to commission someone, or we can simply say we can pay someone to do something for us. So, in, the, in these cases, we will use have. Jab hum kisi ko हायर करते हैं या हम उसको पे करते हैं तो ऐसे पॉजिटिव वर्ड्स में हम हैव का यूज़ करेंगे फॉर इंस्टेंस आई हैव माय हेयर कट मैं अपने बाल जो है वो कट करवाता हूँ ही हैड हिज हाउस पेंटेड उसने अपना घर पेंट करवाया अब यहाँ पे मैंने जब हेयर कट किया यकीन बहुत ही कॉमन और ओब्वियस बात है कि मैं किसी प्रोफेशनल से ही कटवाऊँगी अपने बाल तो उसके लिए हम पे ही करेंगे और अगर पेंट भी है तो हमने उसके लिए भी ही किसी को हायर किया होगा किसी को कमीशन किया होगा जब भी जो है या हमारे हेयर कट हो गए होंगे या हमारा हाउस पेंट हुआ होगा तो जब भी किसी को हायर किया जाए किसी को कमीशन किया जाए किसी को पे किया जाए फिर जो हम काम करवाएं उसके लिए वी ऑलवेज यूज हैव नाउ वी विल टॉक अबाउट मेक कॉजेटिव वर्ब मेक द मीनिंग ऑफ मेक इज टू फोर्स सम वन टू इम्फिसाइज सम वन टू डू सम फॉर यू जब हम किसी को फोर्स कर, uh, करते हैं या किसी को इम्फिसाइज करके थोड़ा सा दबाव डाल के कोई काम करवाते हैं देन ऑलवेज यूज मेक माई पेरेंट्स ऑलवेज मेक मी डू माई होमवर्क बिफोर आई गो आउट मेरे पेरेंट्स जो हैं वो यकीन मुझे फोर्स ही करेंगे मुझे एम्थिस करेंगे कि बाहर जाने से पहले होमवर्क कम्प्लीट होना चाहिए यहाँ पर हम हैव नहीं लगाएंगे क्योंकि जो है वो मेरे पेरेंट्स जो है वो मुझे पे नहीं करते वो मुझे हायर नहीं करते ये मेरा होमवर्क है मुझे बाहर जाना ज़रूरी है तो बीइंग अ पेरेंट्स वो मुझे फोर्सफुली कहेंगे कि अपना होमवर्क कंप्लीट करो देन यू कैन गो आउटसाइड आई मेड माय यंगर ब्रदर क्लीन द रूम मैंने अपने छोटे भाई से रूम साफ़ करवाया अब भाई एक तो पहले ही काम से भागते हैं ऊपर से अगर मैं उसको रूम की सफाई का कहूँगी तो फिर तो नहीं करेंगे लेकिन आई मेड माई यंगर ब्रदर यहाँ पर मैंने मेड का यूज़ करके ये बताया है कि मैंने जो रूम की सफाई है वो अपने भाई से फोर्सफुली करवाई है उसने ये काम खुशी से नहीं किया मैंने एम्फिसाइज़ किया दैन ही डन द वर्क नाउ वी विल टॉक अबाउट गेट द वट गेट मीन्स टू कन्वेंस समन टू परसुट सम वन जब हम किसी को जो है ना फोर्सफुली जो है किसी को कह सकते हैं ना हम किसी को किस उस बात के लिए हायर कर सकते हैं पैसे भी नहीं दे सकते तो फिर हमारे पास एक और रास्ता होता है कि हम किसी को कन्वेंस करें थोड़ा सा राज़ी करें कि वो हमारा ये काम करने के लिए एग्री हो जाए वहाँ पे हम गेट यूज़ करेंगे और ये मोस्टली जो है तो हमारी डेली रूटीन में हमारी डेली लाइफ का ये पार्ट है कि हम किसी को जो है फोर्सफुली भी नहीं कह सकते हम किसी को कमीशन भी जो है नहीं कर सकते हम कन्वेंस करके थ्रो परसुड हम जो है उनसे काम करवाते हैं मतलब किसी को बातों में राज़ी करना या और भी इसको मैं सिंपलिस्ट कहूँ कि बहला फुसला कर जो है किसी से काम करवाना वहाँ पे हम लोग गेट का यूज़ करेंगे एक और चीज़ जो है मैं जरूर मेंशन करूँगी दैट इज़ वी ऑलवेज यूज़ टू टी ओ टू विथ कैट मेक और हैव के साथ नेवर यूज जस्ट यूज टू विथ गेट हेयर इज़ द एग्जाम्पल्स आई ऑलवेज गेट माय सिस्टर टू आयरन माय क्लोथ्स अब मैंने यहाँ पे लव्स गेट का यूज़ किया है तो सेंटेंस इज़ शोइंग डैट के मैंने अपने सिस्टर को थोड़ा सा राज़ी किया है उसको कन्वेंस किया है कि प्लीज़ मेरे कपड़े इस्तरी कर दो अगर मैं यहाँ पे मेक करूँगी यूज़ करूँगी दैट मीन्स कि मैंने उसको फोर्सफुली काम करवाया है तो फोर्सफुली वो ना भी करे लेकिन अगर मैं डेट का यूज़ कर रही हूँ दैट शोज़ कि मैंने अपनी सिस्टर को परसुट किया है टू डू समथिंग फॉर मी ही ऑलवेज गेट मी टू डू हिज होमवर्क फिर होमवर्क की बात करते हैं वो अपना होमवर्क जो है वो मुझसे करवाता है अब मुझे पैसे भी नहीं देता चूंकि होमवर्क है उसका अपना किसी और मुझसे करवा रहा है तो वो मुझे फोर्स भी नहीं कर सकता वो किस तरीके से मुझसे अपना होमवर्क करवाता है ही कन्वेंस कन्वेंस मी टू डू ज होमवर्क तो ये तीन जो है थ्री टाइप्स हैं जो हम सेंटेंस में जिस तरीके से हम यूज़ करेंगे दैट विल शोज़ कि इधर वी आर हायरिंग द पर्सन वी आर कमिशिंग द पर्सन और वी कैन से वी आर फोर्सिंग और इम्फिसाइजिंग द पर्सन और वी आर परसुइंग द पर्सन सो ये तीन बातें हमें याद रखनी है कि हैव मेक और गेट का प्रॉपर यूज जो है वो सेंटेंस में कहा पर आएगा सो गाइस लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कॉजिटिव वर्ब सब्जेक्ट प्लस पॉजिटिव वर्ब प्लस एजेंट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट जो हमारा सेंटेंस का स्टार्ट होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है जिसमें ही शी एनी सिंगुलर नेम आई यू मी वी दे तो ये हमारे सब्जेक्ट होते हैं कॉजेटिव वर्ब्स जो है हमारे हमने जैसे बात की हैव मेक गेट फिर उनको अकॉर्डिंग टू सेंटेंस अगर हम उनके टेंसेस चेंज कर रहे हैं तो हैड गॉट और जो है मेट देन एजेंट एजेंट मीन्स जैसा कि हमने शुरू में पॉजिटिव वर्ब्स की डेफिनेशन में बात की कि वी डू समथिंग किसी और से जब हम काम करवाते हैं तो जो वो जो किसी और जो है ना वो हमारा एजेंट है मतलब हमने जिससे काम करवाया डूअर ऑफ एन एक्शन जो होता है जो हमारा ये काम करेगा हम किसी से अपना काम करवा रहे हैं लेकिन जिससे करवाएंगे और जो हमारा काम करेगा वो हम एजेंट कहते हैं उसको हम इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो वर्ब की फर्स्ट बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है हमेशा वही लगेगी देन लास्ट में ऑब्जेक्ट समटाइम्स ऑब्जेक्ट नहीं भी लगता लेकिन डूअर ऑफ एक्शन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है ये जो है हमारा स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर नंबर वन हेयर आर सम्पल्स दे हैव हिम क्लीन द स्टोर रूम वो उससे स्टोर रूम साफ करवाता है दे इज सब्जेक्ट है हमारा एजेंट है डूर ऑफ एक्शन है क्योंकि स्टोर रूम जो साफ करता है वो कौन है वो हिम देन एज पर स्ट्रक्चर क्लीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है द स्टोर रूम इज द ऑब्जेक्ट जैसा कि हमने पहले ही बात की के हैव हम वैन वी यूज जब वी हायर सम वन टू तो डू समथिंग यहाँ पे हमने बात की है कि स्टोर रूम उससे साफ करवाया दिस कॉन्टेक्ट इज शोइंग दैट ही हायर सम वन टू क्लीन द स्टोर रूम बाय पेइंग बाय कमीशन शी हैड हिम डेकोरेट हर हाउस उसने उससे अपना घर डेकोरेट करवाया बात हमारी यहाँ भी क्लियर है कि जो है शी समवन शी इज द सब्जेक्ट हैड हमने पास टेंस की बात की है तो टेंस के हिसाब से हमने यहाँ पे पॉजिटिव वर्ब को चेंज किया हिम डूअर ऑफ एक्शन है हमारा एजेंट है काम हमारा इसने किया. डेकोरेट इज द वर्ब फर्स्ट फॉर्म हाउस इज द ऑब्जेक्ट अब हम इसको फ्यूचर की में जो है बात करते हैं कैसे होगा आई विल हैव मकैनिक फिक्स द कार मैं जो है मकैनिक से कार फिक्स करवाऊंगा कार जो है उसको बनवाने को फिक्स द कार कहते हैं फिक्स कहते हैं तो हमने फ्यूचर के हिसाब से टेंसिस के हिसाब से हमने यहाँ पे विल हैव यूज़ किया मकैनिक जो है डोर ऑफ एक्शन है देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कार इज द ऑब्जेक्ट हेयर नाउ वी विल टॉक अबाउट मेक एग्जाम्पल्स माई पेरेंट्स ऑलवेज मेक मी गो टू बैट बिफोर इलेवन पी एम यहाँ पर हमने मेक का यूज़ किया क्यों यूज़ किया वेरी सिम्पल क्योंकि हम हैव यूज़ नहीं कर सकते और पेरेंट्स हैं और फिर जल्दी सोने की बात हो रही है तो इतना जल्दी तो कोई सोता ही नहीं है यकीन हमारे पेरेंट्स हमें थोड़ा सा फोर्सफुली ही करेंगे हम एम्फिसाइज़ करेंगे कि भाई ग्यारह बजे तक बेड पे जो है आपको जाना है तो इसलिए हमने यहाँ पे मेक का यूज़ किया माई पेरेंट्स सब्जेक्ट ऑलवेज यहाँ पे जो है एडवर्ब है अगर हम नहीं भी लगाते तो भी चल जाएगा तो भी हमारा सेंटेंस करेक्ट है माई पेरेंट्स मेक मी गो टू बेड बिफोर एलेवन पी एम लेकिन वराइटी ऑफ सेंटेंस टू शो द वराइटी ऑफ सेंटेंस आई यूज़ हेयर ऑलवेज मेक इज अ पॉजिटिव वर्ब अब ये काम करवा किसे रहे हैं मी मुझसे करवा रहे हैं तो मी इज अजेंट हेयर गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेड जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है ही मेड हिज सन क्लीन द रूम उसने अपने बेटे से रूम साफ करवाया टू फॉलोइंग दैट स्ट्रक्चर ही इज द सब्जेक्ट हेयर मेड चूंकि पास टेंस की हमने बात की तो वी यूज मेड हेयर मेड जो है वो हमारा पॉजिटिव वर्ब है क्लीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड रूम इज द ऑब्जेक्ट हेयर द टीचर विल मेक अज डू मैनी एक्सरसाइज हमारी टीचर हमसे जो है बहुत सारी एक्सरसाइजेस करवाएंगी द टीचर इज सब्जेक्ट विल हैव अकॉर्डिंग टू फ्यूचर हमने विल लगाया और विल हैव इज द कोजिटिव अज काम करने वाला कौन है ये एक्सरसाइज करने वाला कौन है टीचर ये करवाएंगी किससे हमसे तो अज यहाँ पे जो है डूअर ऑफ एन एक्शन है डू जो है काम करना फर्स्ट फॉर्म है बेस फॉर्म ऑफ डू मैनी एक्सरसाइजेस इज द ऑब्जेक्ट हेयर ना वी विल टॉक अबाउट सम एग्जाम्पल्स ऑफ गेट आई यूजअली गेट माई ब्रदर टू ड्रॉप मी शॉपिंग मॉल यस यहाँ पर मैंने गेट का यूज़ किया है मैं मेक का भी यूज़ कर सकती थी लेकिन जो है मैं शॉपिंग मॉल जा रही हूँ और जो है मैं अपने भाई को फोर्सफुली नहीं कर सकती क्योंकि भाई तो फिर भाई होते हैं वो इतनी जो है आसानी से जो है हमें टाइम नहीं देंगे कि भाई आप चलो और मैं आपको शॉपिंग मॉल तक छोड़ देता हूँ मुझे भाई को कन्वेंस करना पड़ेगा दैट्स वाई आई यूज़ हेयर गेट आई यूजअली गेट माई ब्रदर टू ड्रॉप मी शॉपिंग मॉल कि भाई प्लीज़ मुझे जो है शॉपिंग मॉल और उसके लिए मुझे भाई को दो तीन दिन पहले से ही बोलना पड़ता है फिर भाई का मूड देख के बात करनी पड़ती है तो ये तो बहुत ही कॉमन सी बात है तो पर्पज़ ऑफ़ गेट मीन्स टू कन्वेंस समन आई हेयर ए सब्जेक्ट गेट कॉजिटिव वर्ब यूजअली एड है हमारा my ब्रदर कौन है doer ऑफ एक्शन है ड्रॉप फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिर हमारा शॉपिंग मॉल जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है हमने ब्रदर के बाद टू का यूज़ किया है क्योंकि गेट के बाद हम टू का यूज करते हैं तो ये हमें याद रखना पड़ेगा शी गॉट हर मदर टू बाय न्यू ड्रेस अब न्यू ड्रेस की बात है तो यकीनन हमें मदर को जो है थोड़ा सा परसविट करना पड़ेगा क्योंकि अम्मी तो यही कहेंगे कि नहीं इस वक्त जो है लॉकडाउन की जो सिचुएशन है अपने ख़र्चे अपने अखराज अपने एक्सपेंडिचर्स जो भी हैं वो कम से कम रखें लेकिन जब हमें शर्ट हमें न्यू ड्रेस लेनी है तो यकीनन हम अपनी मदर को फोर्स नहीं कर सकते हम उनको हायर भी नहीं कर सकते तो हमारे पास सिर्फ एक ही जो है ऑप्शन बचता है कि हम उनको कन्वेंस करें कि नहीं मुझे लेना है तो मैंने अपनी मदर को जो है वो कन्वेंस किया टू बाय न्यू न्यू थिंग ड्रेस दे विल गेट देयर किड्स टू ईट वेजिटेबल्स जी हाँ वो अपने बच्चों को जो है वो कन्वेंस करेंगे टू ईट वेजिटेबल्स क्योंकि आजकल के बच्चे तो है इस तरह की जो चीज़ें खाते ही नहीं हैं वो तो पिज्ज़ा और बर्गर और फ्राइज़ और ऐसी चीज़ों के यूज़ टू हैं तो इसलिए हमने यहाँ पे गेट का यूज़ किया है कि वो अपने बच्चों को जो कन्वेंस करेंगे उनको जो है परसविट करेंगे कि भाई ईट वेजिटेबल्स वेजिटेबल्स भी खाने की चीज़ होती हैं दे जो है सब्जेक्ट है हमारा विल गेट हमारा कोजिटिव है क्योंकि हम लोग फ्यूचर की बात कर रहे हैं देयर किड्स डूर ऑफ एक्शन है हमारे हमने टू का यूज किया ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और वेजिटेबल्स जो है वो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है सो so गाइस हमने अब तक बात की पॉजिटिव वर्ब्स की अब हम बात करेंगे पैसिव पॉजिटिव की जी हाँ पॉजिटिव वर्ब्स में भी पैसिव होता है तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पैसिव होता क्या है वी यूज पैसिव वैन वी डोंट वॉन्ट टू मैंशन द डूअर ऑफ एक्शन कि काम किसने किया हम जो है उसको नहीं बताना चाहते समटाइम्स द एजेंट इज वेल नोन समाइम एजेंट इज अन कभी हम उसको जानते भी नहीं हैं कभी हमें वो सबको पता होता है कि एजेंट या डूअर ऑफ एक्शन जो है वो कौन होगा समटाइम्स जो है हमें पता ही नहीं होता कि काम किसने करवाया है और समटाइम्स वी यूज़ पैसिव के हम ऑब्जेक्ट को ज़्यादा एम्पिसाइज करना चाहते हैं हम उस पर ज़्यादा दबाव डालना चाहते हैं डोअर ऑफ एक्शन इज़ लेस इम्पॉर्टेंट वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है हमें काम को जो है वो ज़्यादा फो एम्फोसाइज करना है बताना है कि काम हमारा हुआ है किसने किया है वो बात की बात है और समटाइम्स वी यूज पैसिव वी वॉन्ट टू बी पोर लाइट सो इन नेक्स्ट लाइट वी विल टॉक अबाउट ऑल थ्री एस्पेक्ट्स हियर इज सम एग्जाम्पल्स ऑफ पैसिव, द थीफ वॉज अरेस्टेड अब यहाँ पे मैंने नहीं बताया हमने सिर्फ ये बात की कि thief was arrested चोर जो है वो पकड़ा गया यहाँ पे सबको पता है इट्स जैसा कि मैंने प्रीवियस बात की कि एजेंट इज वेल नोन चोर जो पकड़ा है तो हमारे माइंड में फौरन से क्लिक हुआ कि ऑबवियसली पुलिस नहीं पकड़ा होगा तो मैं यहाँ पे अगर लिखती हूँ द thief was arrested by पुलिस दैट इज करेक्ट लेकिन अगर मैं नहीं लिखती द thief was arrested तो भी मेरी बात बिल्कुल क्लियर है मैंने जो है मेरा पर्पस जो है मेरा जो ऑब्जेक्ट है कि वो थीफ पकड़ा गया पुलिस का ही काम है लेकिन मैं पुलिस को मेंशन करना जरूरी नहीं है बात तो तब है मेरी कि चोर पकड़ा गया मेरी जो इम्पोर्टेंस है वो इस चीज में है द हाउस वॉज पेंटेड मेरा जो घर है वो पेंट हो गया यहाँ घर जो है वो पेंट हो गया अब यहाँ पे भी बिल्कुल बिल्कुल जो है क्लियर बात है कि पेंटर ने ही घर पेंट करवाया है लेकिन हमने यहाँ पे नहीं मेंशन किया क्योंकि वेल नॉन है और सबको पता है कि पेंटर ही पेंट करता है और इसको हम बहुत ही सिंपलेस्ट जो है हम अपने एग्जाम्पल में इस तरह लेंगे कि जब भी हम घर पेंट करवाते हैं तो यकीन जब हम इतना खर्चा करके घर पेंट करवाते हैं तो हम अगर हमारे गेस्ट हैं हमारे रिलेटिव्स हैं हमारे नेबर्स हैं तो हम बताते हैं कि देखिए हमने जो है इस रूम में इस तरह का पेंट करवाया यहाँ पे ये वॉल पेंट लगवाई है यहाँ पे ये करवाया हम कभी भी जो है वो पेंटर की तस्वीर नहीं दिखाएंगे कि ये वाला आया था पेंटर काम करने नहीं हमारा पर्पस जो होगा या हम जब भी बात करते हैं तो हम पेंट की करते हैं और हम कभी ये भी नहीं बताएंगे कि पेंट जो करने आया था जो पेंटर था उसका ये नाम था उसने ये किया या उसने वो किया नहीं हम जो हमारा ऑब्जेक्ट है हम उसको इंथसाइज करेंगे कि भाई हमारा घर पेंट हो गया और हम इसी पे खुश होते हैं किसने क्या किया हमें उसे मतलब नहीं होता वो काम हो गया बात खत्म इसी तरीके से द नेकलेस विल बी स्टोलिन जो हार है वो चोरी हो सकता है अब यहाँ पे या नेकलेस वॉज स्टोलन अब यहाँ पे एक नेकलेस है वो चोरी हो गया है हम कुछ नहीं कह सकते किसने किया अब चोर का तो पता नहीं है लेकिन हमारी जो मेन चीज है वो क्या है हमारा इस वक्त जो ऑब्जेक्ट क्या है कि नेकलेस चोरी हो गया तो इसलिए भी हम पैसे यूज कर रहे हैं कि हम लोग तो बताना ही नहीं चाह रहे कि किसने किया क्योंकि हमें पता भी नहीं है लेकिन हमारी जो सबसे जरूरी चीज़ है वो क्या है कि नेकलेस चोरी हो गया द ग्लास वॉज ब्रोकन बाय मी अब यहां पे जो मैं बात बताने चाह रही हूँ वो ये है कि इसको अगर हम एक्टिव में कहेंगे कि आई ब्रोक द ग्लास मैंने ग्लास तोड़ा अब जब हम इसको स्पोकन में यूज़ करते हैं तो हो सकता है कि मेरा वर्ड पोलाइट हो तो आप समझ जाएं। लेकिन जब मैं रिटर्न फॉर्म में बात कर रही हूँ तो कैसे पता चलेगा कि भाई जो है मैं हो सकता है मैं धमकी दे रही हूँ और मैंने ग्लास तोड़ा आई ब्रोक द ग्लास लेकिन अगर इसको हम पैसिव में जब यूज़ करेंगे द ग्लास वॉज ब्रोकन बाय मी इट शोज़ दैट आई एम अपोलोजाइज के भाई गिलास जो है वो मुझसे टूट गया है क्योंकि मैंने अप, मैं अपने आप को जो डोर ऑफ एक्शन है उसको पीछे कर रहा हूँ और मैं खुद से बता रहा हूँ द ग्लास वज ब्रोकन बाय मी कि भाई गिलास मुझसे टूट गया है मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहा हूँ तो ये इस तरह के सेंटेंस भी वो शो करते हैं कि पैसिव जो है हमारा पोलाइट है तो यहाँ ये हमने सिर्फ सिंपल पैसिव की बात की है नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉजेटिव पैसिव की कॉजेटिव पैसिव में जो हमारा स्ट्रक्चर है वो हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा सब्जेक्ट प्लस कॉजेटिव वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म यहाँ पे हमने जैसा कि बात की इतनी डिटेल में एट लेंथ बात की कि हम डूअर ऑफ एक्शन जो है वो नहीं बताएंगे हमारा फोकस जो होगा वो ऑब्जेक्ट पे होगा और जब हम ऑब्जेक्ट को पहले लेकर आएंगे तो हमेशा रिमेंबर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी इससे पहले जब डूअर ऑफ एक्शन जब हमारा था तब हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई थी पॉजिटिव पैसिव में जो हमारा स्ट्रक्चर है वो हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा सब्जेक्ट प्लस पॉजिटिव वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म यहाँ पे हमने जैसा कि बात की इतनी डिटेल में एट लेंथ बात की कि हम डूअर ऑफ एक्शन जो है वो नहीं बताएंगे हमारा फोकस जो होगा वो ऑब्जेक्ट पे होगा और जब हम ऑब्जेक्ट को पहले लेकर आएंगे तो हमेशा रिमेंबर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी इससे पहले जब डूअर ऑफ एक्शन जब हमारा था तब हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई थी लेकिन इनपैसिव नॉर्मल पैसिव में भी हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और पॉजिटिव पैसिव में भी वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब सो यू मस्ट रिमेंबर इट

चूँकि पॉजिटिव है तो हमने यहाँ पे एजेंट की बात नहीं की है हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म वी हैड द डोर पेंटेड हमने जो है दरवाज़ा पेंट करवाया अब यहाँ पे भी हम एजेंट की बात इसलिए भी नहीं कर रहे कि ऑब्वियस बात है पेंटर ही हमारा जो है वो डोर पेंट करता है और वन मोर थिंग इज दैट कि हमारा पर्पज तो पेंटिंग है किसने की हम ये थोड़ी ना हमारे नेबर्स को हमारे रिलेटिव्स को जो है दिखाते हैं कि ये पेंटिंग हमारे फलां बंदे ने की हम तो ये जाते हैं कि हमारा घर पेंट हुआ है तो सब लोग ये देखें हमारा ऑब्जेक्ट जो है हम उसको एम्फेसाइज करना चाहते हैं यहाँ पे हमारा डूअर ऑफ एक्शन जो है वो लेस इम्पॉर्टेंट है आई विल हैव माई हेयर कट टमारो में जो है टेंसिस पॉजिटिव पैसिव में हमने टेंसिस की बात कर रहे हैं फ्यूचर टेंस की मैं अपने बाल जो है वो कल कट करवाऊँगा ऑब्वियसली जो है मैं पार्बर से करवाऊँगा और है भी यूज कर रहे हैं दैट शोइंग कि हम हायर ही कर रहे हैं पर्सन को लेकिन यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट नेसेसरी है हमारा एजेंट जो है वो लेस है इज हैग्जाम्पल्स ऑफ पॉजिटिव शी गेट्स हर कंप्यूटर रिपेयर्ड यहाँ पे हमने जो है डुअर ऑफ एक्शन जो है हमारा एजेंट जो है वो हमारा हाइट है हम डुअर ऑफ एक्शन की बात नहीं करेंगे हमारा पर्पस यहाँ पे ऑब्जेक्ट को एम्फिसाइज करना है सो दैट्स वाई वी यूज़ कंप्यूटर एज ए ऑब्जेक्ट और चूंकि इट इज़ पॉजिटिव पैसिव सेंटेंस सो वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एज ए रिपेयर्ड ही हैड हिज ए सी फ़िक्स् यहाँ पर भी जो है हमने एजेंट की बात नहीं करनी है दो बातें हैं एक तो एजेंट हमारा वेल नॉन है ए सी जो फिक्स करवाते हैं वो हम जो है वो हर किसी से नहीं करवाते जो ए सी एक्सपर्ट रिपेयरिंग एक्सपर्ट होते हैं जो है वही हमारे ए सी फिक्स करते हैं इसलिए भी हम जो है मेंशन नहीं करना चाहते कि हमारा ड्यूर ऑफ एक्शन कौन है हम एम्फाइज़ ये करना चाहते हैं हमारा जो है सेंटेंस में जो मेन थिंग है वो ये है कि हमारा ए फिक्स जो है हुआ उसने अपना ए फिक्स करवाया ही विल हैव हिज़ गार्डन क्लीनड वो अपना गार्डन जो है क्लीन करवाएगा जो है यहाँ पे हमने हैव की जो हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हम लोग हैव और हैव की जो भी फॉर्म्स हैं विल के साथ या उसके पास टेंस जो हैड है उसके साथ यूज़ करते हैं तो हैव का हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि हैव हम तभी यूज़ करेंगे व्हेन वी हायर सम वन और व्हेन वी गिव पेमेंट और वी कमीशन सम वन तो यहाँ पे हमने इसीलिए हैव जो है हेड और विल के साथ लगाया अब ऊपर वाले सेंटेंस में फर्स्ट सेंटेंस शी गेट्स हर कंप्यूटर रिपेयर अब यहाँ पे मेरे गेट्स लगाने का पर्पस ये है कि हो सकता है कि मैंने जो है यहाँ के जो कंप्यूटर रिपेयर करवा रही है हो सकता है उसने घर में ही किसी से रिपेयर करवाया हो अपने बड़े भाई को कहा हो कन्वेंस किया हो कि भाई देखो मेरे कंप्यूटर में थोड़ा सा फॉल्ट है अगर आप यहाँ पे हैव यूज़ करेंगे दैट इज ऑल्सो करेक्ट लेकिन आप हैव नहीं यूज़ करेंगे शी के साथ हैज़ होगा शी गेट्स हर कंप्यूटर रिपेयर लेकिन टू शो दराइटी ऑफ सेंटेंस आई राइट इट हैट्स तो हम जो हमारा सब्जेक्ट होगा हमारा कॉजिटिव वर्ब जो हमने बहुत इन द बिगनिंग ऑफ जो है हमने बात की थी एक वीडियो में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो यहाँ पे कोजिटिव वर्ब जो होगा उसका जो एग्रीमेंट होगा वो सब्जेक्ट के साथ वो ही रहेगा जैसा कि नॉर्मल सेंटेंसेस में होता है अगर हम नॉट लगाना चाहेंगे तो इसके साथ हम डज नॉट लगाएंगे सब्जेक्ट के साथ ही शी इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर और कोई भी नाउन होगा तो इसके साथ हम लोग डज लगाएंगे और फिर जो है हमारा गेट है या मेक है या हैव है तो वो अपनी बेस फॉर्म में ही रहेंगे अगर हम इनको नेगेटिव बनाएंगे तो डिड लगेगा अगर इनको हम जो है मॉडल वर्ब यूज़ करना चाहते हैं तो भी हमारी बेस फॉर्म सेम रहेगी तो बाकी जो भी हमारे टर्म्स एंड कंडीशन अदर टेंसेस की हैं वो सेम रहेंगी और जो है जो भी चेंजेस जो होनी हैं वो हमारे पॉजिटिव वर्ब और सब्जेक्ट के प्लेसेस में होंगी उससे आगे हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे ये जो है हमें बात याद रखनी है गाइस नाउ वी विल टॉक अबाउट लेट सम सम ऑफ आर ओपिनियन दैट लेट इज आल्सो पॉजिटिव वर्ब बट एक्चुअली इट इज नॉट क्योंकि लेट का मतलब होता है टू परमिट समवन टू अलाउ समवन टू डू समथिंग जबकि पॉजिटिव वर्ब की जो हमने डेफिनेशन जो देखी और जो हमने बाकी मेक हैव और गेट के जो पैटर्न देखे तो उसमें हमने ये ही हमें जाहिर हुआ दैट दे आर शोइंग दैट के हम लोग कुछ काम किसी और से करवा रहे हैं या वी हायर सम वन वी कन्वेंस सम वन वी फोर सम वन यहाँ पर जो है हम अलाउ करते हैं लेट का मतलब होता है टू अलाउ टू परमिट समवन लेकिन फिर भी इन एडिशन हम लेट पे भी बात कर लेते हैं तो लेट का मतलब होता है टू परमिट टू समवन टू अलाउ समवन लेट देम ईट द केक बिल्कुल सिंपल अगर यहाँ पे लेट की जगह पे अगर मैं कहूँ अलाउ द केक दैट इज सिंपल कि उनको केक खाने दो मैं उनसे काम करवा नहीं रहा हूं मैंने उनको अलाउ कर दिया है कि आप केक खाओ नहीं भी खाते हो तो भी मर्जी कितना खाते हो ये भी आपकी मर्जी ही लेट्स मी ड्राइव हिज न्यू कार अगर लेट्स की जगह पर अलाउ हम यूज़ करें ही अलाउज़ मी ड्राइव हिज न्यू कार वो मुझे अलाउ करता है अपनी न्यू कार चलाने के लिए तो ये इजाज़त की बात करता है परमिशन की बात करता है इसलिए सम ग्रेमरियंस आर ओपिनियन दैट लेट इज़ नॉट इंक्लूड इन पॉजिटिव वर्ब लेकिन फिर भी हम लेट के स्ट्रक्चर और उसके एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ लेट आर सेम एज फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिव वर्ब सब्जेक्ट देन पॉजिटिव वर्ब मीन्स लेट देन एजेंट वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट इसका स्ट्रक्चर सेम वही रहेगा सब्जेक्ट प्लस लेट प्लस एजेंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट देर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ लेट द टीचर लेट द स्टूडेंट्स डिस्कस अमंग यहाँ पे एक बहुत ही ट्रिकी बात मैं आप लोगों को बता रही हूँ अब यहाँ पे मैंने टीचर के साथ लेट्स भी लग सकता था लेकिन लेट की सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म भी लेट ही होती है तो हमें बस लेट से ही अंदाज़ा करना पड़ेगा कि ये पास्ट की बात है अगर इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस होता तो मैं इसको लेट्स कर लेती लेकिन मैंने इसको लेट्स जान बूझ के नहीं लिखा टू शो द डिफ्रेंस हमारे टीचर अलाउ करता है द अला, uh, टीचर अलाउ लेट द टीचर लेट द स्टूडेंट डिस्कस अमंग सेल्फ टीचर अलाउ करता है बच्चों को कि भाई आप अपने आपस में बैठ के डिस्कस कर लें और जब भी टीचर हमें डिस्कस करता है करने की इजाज़त देते हैं तो वो हमें फोर्सफुली नहीं कहते वो हमें परमिट करते हैं कि हाँ भाई आप लोग जो है ये जो भी असाइनमेंट है ये जो भी जो भी आपका ये होमवर्क है या जो भी आपकी ये क्वायरी है आपका लेसन है जो भी आपका वर्क है तो टीचर हमें अलाउ करता है कि ठीक है आप लोग आपस में डिस्कस कर लें इसमें गाइस यहाँ पे

ये जो है दे आर फ्लैक्सिबल विथ पैसिव कॉजटिव मेक एंड लेट विल नॉट वर्क विथ पैसिव कॉजिटिव तो ये हमेशा याद रखिएगा इससे पहले भी हमने जो जितने भी प्रीवियस सेंटेंसेस जो हमने बात की तो वी आर रिकॉलिंग ऑल द सेंटेंसेस हमने मेक के जो भी सेंटेंस यूज़ किए हैं उसमें हमें कंफ्यूजन दूर करनी हो तो जो मेक की जो मीनिंग है मेक की मीनिंग टू फोर्स तो हम उसमें मेक की जगह पे वर्ड फोर्स को ऐड करके देखेंगे इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मीनिंग अगर हमें लगता है कि हमने मेक की जगह पे फोर्स यूज़ करके हमारा सेंटेंस आगे ये शो कर रहा है कि वाकई जो बात हम कह रहे हैं वो फोर्स की है तो आप अपने आप का सेल्फ असमेंट ऐसे ही करेंगे के जो है आप लोगों को लगेगा कि हाँ वाकई यहाँ पे मेक ही यूज़ होगा इसी तरीके से जो भी चीज़ें हैं जब आप कहीं हैव और हैड का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे हायर और कमीशन और पेइंग इस तरह के वर्ड्स यूज़ करके हैव और हैड की जगह पे आप खुद से सेट करके देखिएगा कि ये अकॉर्डिंग टू सेंटेंस मैच हो रहे हैं कि आई हैड फिक्स द ए सी आई पेड फिक्स द ए सी अगर मैं कहूँगी आई फोर्स पिक फिक्स द ए सी तो और फोर्स की जगह पे मीन्स आई एम ट्राइंग टू शो दैट के यहाँ पे मैं मेक लगाना चाह रही हूँ और आई कन्वेंस फिक्स द ए सी तो आपको खुद को ही अपने आप से ही जवाब मिल जाएगा कि हम ए सी को कन्वेंस ए सी सही करवाने के लिए कन्वेंस नहीं कर सकते हम ए सी को सेट करवाने के लिए हम फोर्स नहीं कर सकते हम ए सी को सेट करवाने के लिए यकीनन पे ही करेंगे और जब वेन वी हायर सम वन तो वी मस्ट यूज़ हैव और हैड और विल अकॉर्डिंग टू द टेंसेज इन सेम वे गेट्स भी जिस भी सेंटेंस में आप गेट यूज़ कर रहे हैं गेट और गॉट फर्स्ट थिंग के वहाँ पर जो है हम टू का इस्तेमाल हम ज़रूर करेंगे वी मस्ट यूज़ टू विथ गेट मेक और किसी और वर्ड पॉजिटिव वर्ड के साथ टू नहीं यूज़ होगा गेट की एक एक्स्ट्रा स्पेशलिटी है कि जो है वो टू को जो है एक्सेप्ट करता है और फिर उसी सेंटेंस में हम गेट को रिमूव करके अगर कन्वेंस लिख लें और परसूड लिख लें और फिर हमारा सेंटेंस अगर सही जा रहा है हमारी मीनिंग सही बता रही है कि हम जो सेंटेंस कर रहे हैं उसमें वाक्य हम किसी को कन्वेंस करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे गेट और गॉट जो है उसका यूज एकदम करेक्ट होगा सो गाइस दिस इज एंड ऑफ पॉजिटिव वर्ब्स आई एक्सप्लेन इट एट माई लेंथ इन सिंपलेस्ट एंड ईजिएस्ट वे एंड आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर टू ऑल एट द लास्ट आई मस्ट शेयर वन थिंग विथ यू प्लीज स्टे At your home. Take care of yourself. Take care of your family. Thank you.